कैंपियरगंज पुलिस ने दो मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को बसंतपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास रेंज ऑफिस के सामने से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शरीफ पुत्र अशरफ निवासी ग्राम बसंतपुर टोला अडरिया थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर, दूसरा शुभम मद्देशिया पुत्र ईश्वरचंद मद्देशिया निवासी बसंतपुर टोला अडरिया थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से तीन मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में कैंपियरगंज थाना प्रभारी रंजीत सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक अतुल तिवारी, शैलेंद्र कुमार, मधुरेश त्रिवेदी, राघवेंद्र पाल, कांस्टेबल उत्कर्ष यादव, विपिन वर्मा, एकांत सिंह, रणजीत विंद, पवन कुमार गुप्ता, मुकेश कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, एक मिनट ये विगत दिनों से थाना कैंपियरगंज की टीम वाहन चोरों के गिरोह की तलाश में सक्रिय थी, तो आज इसमें दो अभियुक्त शारिफ और शुभम ये पकड़े गए हैं। इनके पास से तीन मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, वाहनों को कहाँ भेजते थे इनकी जो मुख्य रूप से ये दूसरे लोगों को भेज देते थे और नेपाल भी भेजने की इनकी सूचना मिली है। अभी अभी इस पर छानबीन की जा रही है और जैसे पूछताछ में चीजें आगे आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। इसके पूर्व भी जेल गए नहीं? नहीं, इसके पूर्व ये जेल नहीं गए, इनका आपराधिक इतिहास नहीं है। फिर भी देखा जा रहा है, अगर कुछ होगा तो उसको शामिल किया जाएगा।